been here for 40 years. And like this, there are three landfills. And this is a smaller one. And this is a smaller one. टोटल जो है अनसेग्रीगेटेड वेस्ट का डंपिंग है. इसमें कुछ से लोगों काम भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं वो आपको मालूम है. और इसका प्रभाव बहुत बुरा रहा है. सो ऑल दिस इज टोटली अनसेग्रीगेटेड वेस्ट. यू सी देयर आर रूल्स दैट वी हैव टू सेग्रीगेट योर वेस्ट, बट इट्स नॉट हैपनिंग. सो द अनसेग्रीगेटेड वेस्ट कम्स हियर एंड इट्स गेटिंग डंप्ड. And आपने फिर से क्या बोला, वो वेस्ट वर्कर्स यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे वेस्ट वर्कर बहुत कम है, क्योंकि सो देयर आर वेरी फ्यू वेस्ट वर्कर्स. 500 अबाउट 500 अप टू 700 एंड आल्सो वीमेन चिल्ड्रेन. तो अभी आपको यहाँ पे आप खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि आपको स्मेल नहीं आ रहा है, क्योंकि ठंडा का मौसम आ गया, सड़ने का कम होता है. यदि आप अप्रैल मई में आएंगे, चाहे मार्च से शुरू होता तब आएंगे, तो आपको खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा. पूरा इलाका जो है स्मेल स्मेल आपको दिखता है. जब दूर से भी आप यदि ट्रैवल कर रहे होंगे तो पूरा स्मेल आपको. ओके, बिकॉज इट्स विंटर, द डिग्रेडेशन इज अ लिटिल स्लोअर, सो द स्मेल इज नॉट सो मच. इफ यू कम इन अप्रैल मई, आई बिलीव नॉट जस्ट हियर, द स्मेल परकोलेट्स टू एटलीस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स. अभी जो नया सिस्टम आ रहा है, चूँकि ये पूरा जगह को बहुत ओवर ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अभी जो नया सिस्टम आ रहा है वो ये आ रहा है कि कह रहे हैं कि कूड़े को हम एक कारखाने में ले जाकर के जला देंगे. सामने एग्जांपल है वेस्ट में एनर्जी प्लांट जो एस्टैब्लिश हो रहा है दिल्ली में. इसका नाम क्या है? इसका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. ओके ओके, नाउ इट इज बियॉन्ड कंट्रोल. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे सेट अप अ प्लांट देयर. कैन यू सी दैट प्लांट देयर? दे आर पुट्स सम काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी. तो वहाँ पे वेस्ट को ले जाकर के सिर्फ इंसिनरेट कर रहे हैं, जला रहे हैं, और जलाने से और डंपिंग करने से दोनों का जो इम्पैक्ट है वो लगभग सिमिलर है. जलाने से एक हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि जो वेस्ट का जो के अंदर का जो रिसोर्स है जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो सब खत्म हो जा रही है, जल जा रही है, और हवा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. जहाँ पर वेस्ट एनर्जी और इंडिया की फर्स्ट प्लांट है, उसके आजू बाजू के एरिया में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं. तो इम्पैक्ट आने शुरू हो गए. सो दे ही सेइंग दिस वेस्ट टू एनर्जी इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज what is happening here is in a different way. The smoke is going out into the environment, and it's all the residents who are here are facing immense health issues, and you know they're just burning it. So aur kya bola aapne? ha bas ha. to ye ho raha, aur uska jo dusra angle hai jo jo sabse bhayavah hai wo ye hai ki millions इनफॉर्मल वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं, उनके सबके लाइवलीहुड बर्निंग के वजह से चले जाएंगे. और जब इन्वायरमेंटल यदि हम पर्सपेक्टिव में देखें तो भी वो जस्टिस नहीं है, क्योंकि कायदे से जो लॉ जो हमारा देश का है, जो अभी 2016 में आया था, वो ये कहता है कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे उसका सोर्स सेग्रीगेशन और सोर्स रिकवरी. So by burning, you are actually losing the resource out of it. Not just that, see, lot of waste workers are losing their livelihood. So on paper, you are supposed to segregate your waste and your composting and all that, but that is not happening. Instead, they put up this waste energy burning. So it is not only polluting environment. Waste workers have lost their wages. Yeah. And दूसरा कि waste को यदि हम proper तरीके से segregate करेंगे तो only 10-15% waste को landfilling करने की जरूरत पड़ेगी. बाकी आपको 80-85% waste को resource में convert कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. So when you segregate waste, actually only 15% actually goes into landfills. Everything else be like your wet waste can be composted, your plastic paper can be recycled, metals, everything, glass,
I don't know whether in Egypt you do it, the waste segregation, or is it mixed? No. Is it segregated? Just started, but yeah, it's not just segregated. Not get segregated. No. So, in fact, when you go back home, you must examine that. Huh? It needs culture change. Yes. That's what is. We are also struggling here. Well, there are places in pockets. It's, you know, communities, small communities have taken it upon themselves to do it voluntarily. It's working, but on paper it is there. But on a government scale, it is not a great success here also. So that is India's one of the biggest problem is waste. Okay, chale. हम ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है क्योंकि हम सोच रहे थे कि इधर से सीधे हम निकलते हुए तो वापस चले वेस्ट पिकर के कम्युनिटी में जाएंगे वहां लोगों से मिलेंगे उनके थोड़ा हैबिटेट को देखेंगे समझेंगे कैसे वो लोग रह रहे हैं ज्यादातर लोग इस लैंडफिल में काम करने वाले लोग हैं तो चूंकि रास्ता क्लोज हो गया तो मुझे लगता है कि फिर हमको वापस जाएं और फिर वापस जाकर के हम लोग घूमते हुए हम फिर बस्ती में चलेंगे कम्युनिटी बस्ती में ओके एक्चुअली दिस रोड वाज ओपन अर्लियर वी वांटेड टू गो टू द वेस्ट पिकर्स हाउ डू दे लिव एंड व्हाट इज द कंडीशन सिंस इट्स ब्लॉक्ड वी विल गो बैक टू द कार एंड टेक अनदर रूट एंड गो दैट साइड ओके चलो मांगो सर व्हाट डू द वेस्ट वर्कर्स डू व्हाट इज देयर वर्क Waste workers collecting and all that, no? Waste maker workers every day going to up. You are sitting standing in the back side. So front side is opposite. So going there. Yeah. And that side and this side also waste maker going in the top. And trucks came then segregate. So the waste workers are actually segregating what could have been done earlier. Yes. Can we go there, madam? That we are going back. That's the other road. No, we go that side. Then come back. Go, no problem. See, here's a very, very bad one. Near to the bad. That we can go there, then come back. Yes. Okay. Ye road kahan kahan hai? Abhi hum log.